जो कहते हैं। गाइस आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रकाश चंद्र भील। दोस्तों आप सभी का हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों को एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सुप्रीम
कोर्ट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की भी एक इंच जमीनी है, राज्य सरकार की भी एक इंच जमीनी है और गैर आदिवासियों की भी एक इंच जमीन नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक इंच जमीन नहीं है तो ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। तो इस देश में जो लोग जो बाहर का है वो कहां रह रहे? जब एक इंच जमीन नहीं है तो कहां रह रहे? वो आसमान में रह रहे, उनको नीचे उतारना पड़ेगा। जहां तक उनको सोचना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं है, तुम रहो नहीं रहो हमारी मर्जी की बात है, लेकिन तुमको हमारी हमारे कीमत पर नहीं उठ पड़े कि नहीं उठ पड़े। हमारे पास हम तो नहीं हुए, आप उठ नहीं यानी कि यानी कीमत पर आप उठ रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश का आदिवासी आप सबको एक बात कहता हूं कि हमको कम से कम ये जो पार्टियां हैं उसमें आप सबका मत आया, सामने आया कि हम इनकी पार्टियों को छोड़ देंगे। यदि आपने छोड़ दिया, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं छोड़ दिया, इनके अंदर खलबली हो गई है। मैं बोल रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी और जो देश के और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे आसपास के चार राज्यों के, उन सारों तक पहुंच गई है कि यहां पे लोगों को पे रखने की जगह नहीं है। पूरे सब जगह पूरे और गाड़ियां का तो पता ही क्या है, हम भी कितने चल चल के आए। मेरी वैसे भी आप बैठे, लेकिन आपको ये बात खुशी है कि आपके अंदर जो जज्बा हमारे समाज के अंदर है, वो समाज के अंदर एक प्रदेश जो बनाने का जज्बा है वो देख के बहुत खुश हुए, वो हमको बहुत जोश आए। तो एक प्रदेश ही नहीं, हम तो पूरे देश भारत की बात भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका दोबारा मैं हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं और आप सबको उम्मीद करते हैं कि हमारी चाहे वो सुनने में नहीं हो, उन तक बात पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन सारे ही लोग उनके जज्बे के अनुसार यहां जो आए और हम यहां चर्चे आ रहे थे उस वक्त भी चलने की जगह नहीं थी, ये जो स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक जबरदस्त उपहार है और हमारे साथ समाज के साथ में कभी धोखा सपने में भी मत सोचना कि हमारा समाज अब खड़े हुआ है, उस समाज को कभी धोखा देने की बात मत करना, सोचना मत, समझना मत। यही मैं उम्मीद करता हूं और शायद इसी बात को लेकर के हमारे सारे साथी हैं, उन साथियों को मैं जोहार अभिनंदन करता हूं। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश, धन्यवाद। धन्यवाद रामप्रसाद जी को, शांति बनाए रखे। अभी राजकुमार जी भी अभी पधारे हैं, अब लेट आए हैं तो